الفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का ख़जीना है हज़रत अली रजी अल्लाह तनसाद फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह रबुुल्ज़त ने इस उम्मत को आज़ाब देना होता तो अल्लाह रबुजत इस उम्मत को फातिहा और रमज़ान का महीना आता फ़रमाते अल्लाह रबुुल्ज़त का इरादा खैर का है कुछ अमाल ऐसे हैं अगर उसको हम पाबंदी से रमज़ान में कर लेंगे तो इन हमारी मफफ़रत यकीनी होगी अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त ने इस दुनिया में इंसान को बहुत थोड़े वक्त के लिए भेजा और मौत आएगी मौत के बाद क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा तो ख़ुश नसीब हैं वो लोग जो अपने इस वक्त को याद इलाही में गुजारें उनका हर आमल हजूर पाक सल्ला व्म के मुबारक तरीक़े पर हो और अल्लाह ताली की ऱा के लिए हो शरीत के मुताबिक हो ये लोग इंतहाई खुश नसीब लोग हुआ करते हैं हमें भी चाहिए कि हम हर काम अल्लाह की रजा के लिए इतबा सुन्नत के मुताबिक करने का इरादा करें जो शख्स भी रमज़ान में चार काम करेगा इन शुरत हो जाएगी सबसे पहली बात रमज़ान मुबारक का अदब रखे अदब के खिलाफ कोई काम ना करें दूसरी बात पूरे आदाब के साथ रोज़े रखे तीसरी बात पूरे अहतमाम के साथ गुनाहों से अपने आप को बचाएं और चौथी बात पूरे शौक़ के साथ इबादत में अपने आप को लगाएं पहली बात क्या थी कि रमज़ान का अदब करें बेअदबी ना हो दूसरी बात कि पूरे अहतमाम के साथ पूरे आदाब के साथ रमजान के रोज़े रखे तीसरी चीज़ यह है कि गुनाहों से अपने आप को बचाए पूरी कोशिश करें कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो और चौथी चीज़ इबादात का अहतमाम शौक़ के साथ करें जो शख़्स ये चार काम करेगा इन शुम इन शाह इस उसकी मफ़िरत रमज़ान में हो जाना यकीनी होगी आज हमारे यहाँ किसी की बढ़ाई का मैार पैसा है बैंक बैलेंस है बड़ी कोठी है बड़ा घर है इस तरह की चीज़ें हैं हमारे बड़ों के अंदर बढ़ाई का मैार दिन की वजह से होता तकवा की वजह से होता इल और अमल की वजह से होता एक ज़माना इस उम्मत में ऐसा भी गुजरा है कि जब किसी बुज़ुर्ग की बुज़र्गी का मैार जब नापना होता से चेक करना होता या किसी शख्स का कि ये कितना बड़ा आदमी है कितना बड़ा बुज़ुर्ग है तो देखा ही जाता कि इस शख़्स ने कितने रमज़ान गुजारे भाई है इसने तो पचास रमज़ान गुजारे अच्छा इसने साठ गुजार लिए इतने रमज़ान गुजार लिए इसका मतलब ये है कि बहुत ऊँची मकाम की ये हस्ती है ये बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने इतने रमज़ान गुजारे हैं उनकी ज़िंदगी में इतने रमज़ान आ गए हमने तो अभी कम गुज़ारे हैं ये बुज़ुर्ग का मैार किसी ज़माने में हुआ करता था आज मैंने और आपने भी बीस तीस चालीस पचास साठ रमज़ान अपनी ज़िंदगी में गुजार लिए और अभी तक हमें तकवा हासिल ना हुआ अभी हमें ऐसे कोई मकाम ना मिले इसका मतलब ये हुआ कि हमने रमज़ान का पूरा अदब ना किया और पूरे आदाब के साथ रोज़े न रखे गुनाहों से बचने का जितना अहतमाम करना चाहिए था वो ना किया और इबादात में भी अपने आप को सही तरीक़े से न लगाया जिसकी वजह से ये नुक़सान हमारे पास हैं एक मरतबा नबी करीम सल्ला ने नेहबा को फ़रमाया कि रमज़ान का महीना आ गया है शाहरुबरकत जो बरकत वाला महीना है इसमें भलाई ही भलाई है इसमें अल्लाह रबुलज़त तुम्हारी तरफ मतवज होते हैं रहमतों का नज़ुल फ़रमाते हैं ख़ाओं को गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और इस महीने में अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाते हैं और तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं तनाफुस का क्या मतलब जिस तरह एक क्लास में बच्चे कोशिश करते हैं ना कि मैं पहली पोजीशन पर आ जाऊं, मैं पोजीशन होल्डर बन जाऊं, मैं आगे सबसे आगे बढ़ जाऊं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह इज़्ज़त रमजान मबारक के इस महीने में शैतान दुश्मन को कैद करके नेकी का अजर बढ़ा के जहन्म के दरवाजों को बंद करके जहन जन्नत के दरवाजों को उम्मत के लिए खोल कर और सारी चीज़ों मखलूक को दुआओं पर लगा कर शहरी या रफ्तारी की फज़ीलतें बताकर कर नफिल को सत्य नफिल को फ़र्ज के बराबर और फ़रज़ को सत्तर गुना उसका अजर बढ़ा कर अल्लाह रबूज देखना चाहते हैं कौन मेरी मोहब्बत में मुझे मनाने के लिए मुझे पाने के लिए मुझे राज़ी करने के लिए आगे ज़्यादा बढ़ता है अल्लाह रबुजत इस चीज़ को देखा करते हैं तो हमें भी चाहिए कि रूठे रब को मनाने के लिए अपने गुनाहों की मकफ़रत को पाने के लिए अल्लाह इज़्ज़त से जन्नत पाने के लिए हम कोशिश करके इन आमाल में लगें और अपने आप को लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुबारक का महीना आ जाता तो सहाबा फरमाते हैं कि हम तीन कामों में देखते कि आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो बढ़ गई एक तो ये कि आपकी इबादत बहुत बढ़ जाया करती थी आम हालात में भी आपकी इबादत ऐसी थी कि पाँव मुबारक मतवर हो जाया करते थे रमज़ान में और ज़्यादा कोशिश किया करते दूसरी बात रमजान में नबी आलम की दुआओं का अहमाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करते और तीसरी बात हजूर पाक सल्ला व्ल् के रास्ते में सतक़ात खैरत माल का ख़र्च करना ये बहुत ज़्यादा किया करते थे हमें भी चाहिए कि उम्मती होने की हैसियत से हम नबी करीम सल्ला वम की इन तीनों मुबारक सुन्नतों को इस रमज़ान में पूरा करने का इरादा करें कोशिश ये करें अल्लाह से यूँ मांगें या अल्लाह इस आने वाले रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दीजिए ये ऐसा रमज़ान हो कि जिससे हमारी मगफ़रत जो है आसान हो जाए ये ऐसा रमज़ान हो जो अल्लाह आपके यहाँ कबूल हो जाए अल्लाह आपकी मोहब्बत हमें हासिल हो जाए आज तक जो दूरी रही वो सारी दूरियां ख़त्म हो जाएं अल्लाह ये रमज़ान आपको मनाने का ज़रिया बन जाए रमजान मुबारक से पहले एक काम और हम सोचें एक हदीस के अंदर आता है कि जिस शख़्स ने चालीस दिन तकबीर उला के साथ बाजमात नमाज़ पढ़ ली उसके लिए दो अज़ीम बशारतें हैं जिस शख़्स ने चालीस दिन जमत के साथ तकबीर उला के साथ चालीस दिन नमाजें पढ़ लीं बात तकबीर उला के साथ दो अज़ीम बशारतें उसके लिए हैं एक बशारत जहन्नम से वरात जहन्नम से निजात दे दी जाती है और दूसरी निफाक मुनाफिकत से उसको निजात दे दी जाती है तो रमजान मुबारक में ये करना और ज़्यादा आसान वो कैसे रमजान के तकरीबन उनतीस तीस दिन हो गए हम दस बारह दिन पहले ये आगे के जोड़ लें रमजान में तो इंसान नमाज पढ़ ही लेता है मुसलमान कोशिश करके तकबीर उलह की नमाज पढ़े और साथ दस बारह दिन और जोड़ ले तो यूँ चालीस दिन इसके पूरे हो जाएंगे और ये अजीम नाममत इसको मिल जाएगी सब बाद में करें रमज़ान मुबारक में एक अजीम रात आती है लई लतद्र खरुम मिन अलफ शहर उस एक रात की इबादत एक हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर आम तौर से ज़िंदगी साठ सत्तर साल और ये तो तेरासी साल अस्सी साल से ऊपर जा रहा है इस अजीम रात को हासिल करने के लिए एक आसान नुस्खा रात बहुत अजीम नुस्खा बहुत आसान एक अमल बता रहा हूँ अगर इस अमल को हमने कर लिया तो दो नेमतें हमें इस रमज़ान में मिल जाएंगी। पहली नेमत लई लतुल्क़दर की इबादत का सवाब हमें मिल जाएगा दूसरी नेमत तहजद की नेमत हमें पूरे महीने में मिल जाएगी वो तो तरीक़ा क्या है याद रखिए जो इंसान पहली सहरी करने के वक्त से लेकर महीने के आखिर तक ईद की रात तक शहरी के वक्त में रोज़ाना नागा पूरे रमज़ान में दस पंद्रह मिनट इबादत में गुजारे दो दो करके चार नफिल पढ़ ले कुछ दुआ कर ले तिलावत कर ले इस्तिग़फ़ार कर ले रोज़ाना शहरी के वक्त आज़ान फजर से पहले दस बारह मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट या अल्लाह इज़्ज़त को दे दे जिसने पूरा महीना ये काम कर लिया उसको दो शहादतें लाजमी मिलेंगी पहली शहादत लई लतुल्क़द्र की जो भी रात रमज़ान की होगी वो इसको मिल गई और दूसरी शहादत इस मुबारक महीने में रम रम्द, रमजान मुबारक के मुबारक महीने में तहजद की पाबंदी और तहजद की सवादत ये दोनों चीज़ें ज़रूर मिलेंगी अब इस बात की दलील क्या है कि तजुद भी इस बात की दलील क्या है कि दही लतदर हमें मिल जाएगी तो इसकी दलील ये है कि एक हदीस के अंदर आता है कि रमज़ान की कोई एक रात है दही लतदर की और एक जगह आता है कि आखिरी अशरे की दस रातों में से कोई एक रात है और ये भी आता है कि आखिरी अशरे की पाँच रातों में से कोई ताक रातों में से कोई एक रात तो जो शख्स पूरा महीना ये कर लेगा जो शख्स पूरा महीना ये इबादत कर लेगा तो रमजान की वो कोई भी रात हुई इसको मिल जाएगी क्योंकि इसने शहरी के वक्त इबादत की होगी इसको एक और चीज से जरा समझ लीजिए वो रात जो रात भी होती है वो रात जो भी होती है और वो उस रात की खास बरकतें सैदना जब्रैल जब्राई सलाम का आना फ़रिश्तों का आना और हर जगह फैल जाना दुआ मांगने वालों की दुआओं पर आमीन कहना वो किस वक्त होता है मग़रब के बाद ईशा के बाद तरावी के बाद रात को बारह बजे दो बजे तीन बजे कोई सही तौर से नहीं बता सकता लेकिन क़ुर मजीद में परवर आलम ने एक इशारा दे दिया फरमाया हा मतलाफज्र वो रात जब भी आती है वो कैफियात वो रहमतों का नज़ूल जिस वक्त भी होता है लेकिन रहता वो मतलब फजर यानी फ़जर की अजान तक रहता है तो जो शहरी के वक्त में इस इबादत का अहतमाम कर लेगा इसको लई लतदर मिल गई बहुत आसान नुस्खा है थोड़ी सी हिम्मत की बात है हम इस महीने हिम्मत करके इतनी बड़ी इबादत का स्वबा हासिल कर सकते हैं इस महीने में हम क्या करें सबसे पहली बात अपने रोज़ों की हिफाज़त करें ये रोज़े अल्लाह इज़्ज़त का कुर्ब दे सकते हैं ये क़्यामत के दिन हमारी शफात करेंगे इन तो हम अपने इन इबादात की हिफाज़त करें सिर्फ़ रोज़ा रख लेना ही काम नहीं होता बल्कि इसकी हिफाज़त भी करनी है और बल्कि दुआएं भी करनी कबूल भी फ़रमा ले हम इस बात की पाबंदी करें कि हमारी आँख भी रोज़ेदार हो हमारे हाथ भी रोज़ेदार हों हमारे दिल दिमाग भी रोज़ेदार हों हमारी जिस सर के पाँव से लेकर हम रोजेदार हों किसी तरीके से हमारी अल्लाह ताला की हम कोई नाफरमानी ना, ना करें इस बात के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है क्योंकि हदीस के अंदर आता है रोज़ा आदमी के लिए ढाल है जब तक कि उसे फाड़ ना डाले किसी ने पूछा यार रसूल्ला रोज़ा किस चीज़ से फट जाता है नबी सलाम ने फरमाया झूठ और गिबत से ये रोज़ा फट जाता है यानी गुनाहों से ये रोजा खराब हो जाता है और एक और हदीस सुनिए नबी ने इरशाद फरमाया बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें सिवाय भूख के रोजे से कुछ नहीं मिलता और बहुत से रात की इबादत करने वाले तहज्जुद गुजार ऐसे हैं जिन्हें सिवाय जागने के और कुछ नहीं मिलता ये बातें अलार्मिंग है ख्याल करने वाली हैं और एक हदीस के अंदर आता है नबी सलाम ने फरमाया कि रोजा सिर्फ खाने पीने से बचने का रुकने का नाम नहीं बल्कि रोजा तो फहश बातों से और फजूल बातों से लघ बातों से लायानी बातों से बचने का नाम है अगर किसी ने रोजा भी रखा वो कश्मीरी चाय मंगवा दे अगर किसी ने रोज़ा भी रखा और साथ जनाब अब गाने भी सुन रहा है रोज़ा भी रखा अब ना महरमों से टेलीफोन पे बातें भी हो रही हैं रोज़ा भी रखा और अब टीवी के ऊपर ड्रामे भी देखे जा रहे हैं म्यूज़िक भी सुना जा रहा है ना महरमों को नाचते हुए भी देखा जा रहा है या रोज़ा रखा और झूठ बोला जा रहा है धोखे दिए जा रहे हैं अगर ये सब कुछ हो रहा है तो यकीन कर लीजिए इस शख़्स को भूख के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा ये वो बदनसीब है जो शहरी करने के बाद हलाल चीज़ों से तो रुकता है लेकिन अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से नहीं रुकता ये बदनसीब आदमी है तो रोज़ा रखना है तो रोजे की हिफाजत भी करनी है और कई सालों से मैं देख रहा हूँ आप लोग भी देख रहे होंगे इधर रमज़ान शुरू होता है उधर मीडिया के ऊपर टी वी के ऊपर रमज़ान को ख़राब करने की पूरी कोशिशें शुरू हो जाती हैं कई साल होगा इस बात को अभी तो खैर लॉकडाउन है वरना कई सालों में क्या हो रहा है इधर रमज़ान शुरू हुआ इधर बच्चों के पेपर शुरू हो गए अब वो बच्चा पेपर की तैयारी करे कि रोज़ा रखे और एन नमाज़ जुमे के वक्त पेपर हो रहे होते हैं और एग्ज़ामिनेशन हॉल में बच्चों को बैठना होता है कई सालों से ये बात मुस्तकिल जो है ना वो आ रही है कि रमज़ान को ख़राब करने के लिए शैतान कैद होने से पहले पहले अपने शतुंगड़ों को और अपने एजेंटों को तैयार कर देता है कि वो पूरा जोर लगाते हैं कि मुसलमानों का रोज़ा और रमज़ान ख़राब हो जाए शहरी के वक्त प्रोग्राम होंगे रफ्तारी के वक्त प्रोग्राम होंगे और अवकात में प्रोग्राम होंगे और लोग उसमें लग कर अपनी इबादत को ज़ाया कर बैठेंगे तबाह कर बैठेंगे वो महीना जो गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह ने दिया वह महीना हम मज़ीद गहों में डाल देंगे लगा देंगे तो बातिल तो ये पूरी कोशिश कर रहा है उसको हम कसूरवार नहीं कह रहे वो तो वो कर रहे हैं जो उसका काम था गलती हमारी है हम वो नहीं कर रहे जो हमारा काम था कि इतने बड़े महीने से इतनी रहमतों से एम रहमतों से फ़ायदा नहीं उठाते तो रमज़ान में हम अपने रोज़ों की हिफाजत करें अदी सुनी नबी ने फ़रमाया जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह इज़्ज़त को उसके भूखे प्यासे रहने की कोई ज़रूरत नहीं यानी गुनाहों को तो ना छोड़े और रोज़ा रखे फ़रमाया कि अल्लाह इज़्ज़त को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं और ये भी मुशाहिदे में बात आई है ज़्यादा रोज़ा किन को लगता है किन को ज़्यादा परेशानी होती है जो रोज़े में एहतियात नहीं करते जो नेक और मतकी लोग होते हैं उनके लिए रोज़ा रखना आसान होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में एक वाकया उम्मत के सामने आया जो क़यामत तक के लिए एक इबरत बना दिया गया समझाने के लिए वाक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सामने दिखाने के लिए रखे कि हम लोग उनसे नसीहत हासिल करें और अपने रोज़ों की फ़िक्र करें नबी आल सलाम को इतला मिली कि दो औरतें हैं रोज़ा तो उन्होंने रख लिया लेकिन अब मरने के करीब हैं भूख प्यास की वजह से बड़ी परेशान हैं नबी सलाम ने एहराज फरमाया फिर थोड़ी देर बाद दोबारा इतला की गई कि लगता है अब तो मर ही जाएंगी वो क्या करें नबी सामने फ़रमाया दोनों को बुलाओ दोनों को बुलाया गया उनके आगे प्याला रखा कहा कह करो उल्टी करो उन्होंने जब उल्टी की तो पीट वगैरह निकली और गोश्त के लोथड़े निकले वो भी हैरान हुई और लोग भी हैरान हुए ये क्या मामला नबी अलैहिस्सलाम ने नेत फरमाया कि किबत कर रही थी आपस में बैठी हुई दूसरों की गबत कर रही थीं गोया दूसरों का गोश्त खा रही थी तो यहाँ से मुद्दी ने लिखा उलमा ने लिखा कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े में नेकी तकवा के साथ रोज़ा गुजारता है उसके लिए रोज़ा पूरा करना आसान हो जाता है और जो रमजान के रोज़ों में गुनाहों में लगा रहता है उसके लिए ये वक्त गुजारना फिर मुश्किल हो जाता है तो हम अपने रोज़ों की हिफाजत करें इसके लिए हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक आता फरमाए दूसरा काम हम क्या करें दूसरा काम हम इबादात की कसरत करें नबीम की सुन्नत हमने सुन ली ना कि रमज़ान में इबादत में इजाफ़ा हो जाता था तो हम नमाज और दूसरी इबादत में नफिल इबादत में खूब इजाफा करें बहुत ज़्यादा इजाफा जितना आसानी से कर सकते हो हम इबादात में अपने जिस्म को थकाएं रमज़ान में अपनी इबादत में इजाफा करें और अपने जिस्म को इबादात में थकाएं इसके लिए हम फिक्रमंद हों हमारा जिस्म कितनी मरतबा थका बहुत सारी चीज़ों में थका कभी सफ़र में एयरपोर्ट आते जाते स्टेशन आते जाते कभी शादियों में थका कभी रातों को हम जागे घर में शादी है घर में बीमारी है कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है या क्रिकेट मैच ही खेल रहे हैं तो कितनी मरतबा हमारी रातें जागने में गुजरी और कितनी मरतबा हमारा ये जिसम थका लेकिन इस दफ़ा हम इरादा ये करें कि काश ये जिसम हमारा तहजद के लिए थके इबादत में थके ये थकन दूर हो जाएगी लेकिन ये इसका इबादत का जर बाकी रहेगा जो हमें जन्नत में ले जाने वाला बनेगा तो हमें चाहिए कि हम इसकी भी फिक्र करें आम तौर से हमारी इबादत में रुकावट क्या होती है ये शयातीन होते हैं जो हमें रुकावट डालते हैं शैतान को तो पहले ही कैद करके बंद कर देते हैं छोटे मोटे शतु उनगले रह जाते हैं बड़ों को सरकिस शयातीन को तो पहले ही कैद कर देते हैं आगे रह जाता है हमारा नफ्स ये नफ्स हमें गुनाहों की तरफ लेके चलता है हमें चाहिए कि हम अपने नफ्स को कुचल कर इबादत का वजन इसके ऊपर डालें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आसानी हो अल्लाह की तरफ से हमें रहमतें मिल जाएँ हमारी तन आसानी तो ये है कि बीस तरावी भी वहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ चालीस मिनट की जगह पैंतीस मिनट में बीस तरावियाँ होती हों साहब अगर एक रुकू ज़्यादा पढ़ दें या लह आराम से पढ़ दें तो हम परेशान हो जाया करते हैं हमें चाहिए कि इबादत में अपने आप को खूब थकाएं अपने नफ्स को समझाएं क्या समझाएं अरे बहुत अरसा हम गफलत में गुजार बैठे ज़िंदगी का इतना वक्त गुज़ार दिया कोई एक रमज़ान भी आज हमारे पास ऐसा नहीं कि जो हमारी मफ़िरत के लिए गारंटी हमें दे सके हमें चाहिए कि इस रमज़ान को हम फिक्र के साथ गुजारें बहुत सारे अहल दिल अल्लाह वालों का ये मामला रहा कि वह रमज़ान में दुनिया के कामों को और इधर उधर के कामों को कम करके इबादत में अपने आप को लगाया करते थे हम ये सोचें मैंटली अपने आप को प्रिपेर करें कि हम अपनी मर्जी से ग्यारह महीने सोते जागते हैं अपनी मर्जी से खाते पीते हैं। एक महीना तो हम अल्लाह के लिए जागें एक महीना तो अल्लाह के तरीके पे गुजारें एक महीना तो इबादत की कसरत करें याद रखें आज जो अल्लाह की रज़ा के लिए जागेगा कल कयामत के दिन इन्हीं आँखों से अल्लाह का दीदार करेगा आज जो इबादत के लिए रमज़ान में अल्लाह के लिए जागेगा कल कयामत के दिन अपने इन्हीं आँखों से अल्लाह का दीदार कर सकेगा और ये भी याद रखें आज अगर हमारी आँखें जागेंगी इबादत में तो कल कबर में मीठी नींद भी सोएंगे किसी ने क्या खूब कहा मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम मौत के बाद है बेदार दिलों को आराम नींद भर कर वही सोया जो कि जागा होगा जिसने इबादत के लिए कोशिशें की होंगी तो कबर भी नींद कबर की नींद भी उसी को आसानी से आएगी तो दो काम हो गए पहली बात क्या थी अपने रोज़े की हिफाजत करें दूसरी बात अपने आप को इबादत में खूब लगा दें नंबर तीन दुआओं की कसरत करें नबी अलैहिस्सलाम भी ख़ूब दुआएं किया करते थे हम भी दुआओं की खूब कसरत करें हदीस के अंदर आता है रमज़ान के महीने में हर मुसलमान की दुआ दिन में या रात में ज़रूर कबूल होती है और ये भी आता है कि तज़द में कबूल होती है और ये भी आता है कि अफ्तारी के वक्त कबूल होती है तो कबूलीत दुआ के बहुत मौके हैं तो हम कोशिश करके कबूलीत दुआ के इन मौक़ों में ख़ूब अल्लाह से मांगें पूरा रमजान का महीना कबूलियत का है हम अल्लाह ताला से मांगे रोजेदार की दुआएं कबूल होती हैं हदीस के अंदर आता है कि अफ्तारी के वक्त रोजेदार की दुआ रद्द नहीं की जाती अब इसी बात को जरा दो तीन एंगल से गौर के गौर कर लीजिए अगर कोई अल्लाह का वली हमें यह बता दे कि मुझे अभी इल्हाम हुआ और ये दुआ की कबूलियत का वक्त है तो हम क्या करेंगे हम फौरी तौर पर दुआओं में लग जाएंगे अगर उस वक्त कोई मोबाइल दे के जी फोन आया है तो हम फोन नहीं सुनेंगे उस वक्त अगर कोई कै जी समोसे खा लो पकौड़े खा लो तो हम वो नहीं खाएंगे उस वक्त टॉयलेट जाने का तकाजा भी हो तो हम बाथरूम भी नहीं जाएंगे कि अभी वक्त है मांगने का मांगो बाकी बातें बाते बाद में होती रहेंगी एक आम वली के कहने पे हम ये कर रहे हैं और यहाँ तो हम के सरदार हज़रत महमद मुस्तफ़ी अहमद मजतबा सरकार दो आलम सल्ला व्लम ने अरशाद फरमाया कि रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती गोया कबूल होती है तो उस वक्त तो हम कहीं असर के बाद देखें ना हमारा हाल क्या होता है मशवरे होते हैं आज ये होना चाहिए आज ये नहीं होना चाहिए सारी तवज्जो अफतारी की तैयारी के वक्त ज़्यादा होता है सारी तोज्जो अफतारी की तैयारी में ज़्यादा होती है दुआओं में नहीं होती ये तो दुआ मांगने का वक्त है हमारी तवज्जो नहीं होती और गौर कीजिए हम जब किसी मजदूर को बुलाते हैं मजदूरी करवाते हैं तो हदीस के अंदर आता है कि तुम मजदूर को मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो अब हमने रोजा रखा तो मजदूरी की ना जो परवरदिगार हम बंदों को यह हुक्म दे रहा है कि मजदूर को मजदूरी फौरन अदा करो तो वो अपने बंदों को मजदूरी पे कितना जल्दी अता करेगा तो मजदूरी लेने का वक्त है हम मांगें तीसरी बात हमारे घर में अगर लाइट ख़राब हो जाए ना इलेक्ट्रिशन को बुलाते हैं तो पहले तय करते हैं भाई पैसे कितने लोग हैं क्यों कहीं बाद में ज़्यादा ना मांग ले अल्लाह इज़्ज़त ने भी मज़दूरी की जिस शख्स ने पूरे आदाब के साथ गुनाहों से बच कर रोज़ा रखा और मोबाइल के और इंटरनेट के शर से महफूज रहा और उसने सही तरीके से रोज़ा रखा अब इसकी मजदूरी लेने का वक्त है अल्लाह रबुल इज़त वो अजीम शस्सी हैं वो अजीम अता करने वाले हैं जो मज़दूरी पहले नहीं तय किया करते बल्कि बंदे को कहा मेरे बंदे तुमने आदाब के साथ रोज़ा रखा अब तुम वे मजदूरी वो दूँगा जो तुम मांगोगे जो मांगोगे ले लो तो हमें चाहिए शहरी अफ्तारी में दुआओं का अहमाम करें इसकी फ़िक्र करें मर्द हज़रा हाथ उठा के दुआ मांगें बग़ैर हाथ उठाए उठा दुआ मांगें जिस तरह मर्ज़ी मांगें औरतें वो भी दुआ मांगें अफतारी अगर थोड़ी देर बाद भी हम कर लें और गर्म की जगह ठंडा भी खा लें तो इस अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें मांगने का वक्त है तो औरतों को भी बच्चों को भी दस्तरखान ख़ान पर बिठाएँ अल्लाह से मांगने के लिए बिलफर्ज़ अगर कहीं ऐसा मुश्किल व मसूरात के लिए वक्त नहीं मिल रहा तो भाई वो किचन में है काम काज कर रही हैं तो उन्हीं काम काज के दौरान भी वो दुआएँ मांग सकती हैं तो दुआओं का खूब हम अहतमाम करें चौथी बात रमज़ान मुबारक में हम तिलावत कुरान खूब कसरत से करें रमज़ान और क़ुरान एक अजीब और अजीम मुनासबत है कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं शहर उरमफी कुरान रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल किया गया तमाम आसमानी किताबें कुरान मजीद समेत तमाम सहाइफ़ ये रमज़ान के महीने में ही नाजिल हुई हमें भी चाहिए कि रमजान में कसरत के साथ कुरान पाक पढ़ा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में खूब कुरान पढ़ते बल्कि हज़रत सलाम रात को तशरीफ़ लाते उनसे कुरान का दौर किया जाता था और साहबा कराम की और तबयीन की और, और उम्मत की आम आदत यही रही है कि रमज़ानमबारिक में खूब कुरान मजीद की तिलावत की जाती थी ऐसे भी बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने रमज़ानमबारक में एक कुर मजीद का रोज़ाना का मामूल बनाया हुआ था हमें भी चाहिए कि हम इसकी फ़िक्र करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस माहौल में भी लोग ऐसे मौजूद हैं जो रमजान में रोज़े क़ुरान पढ़ते हैं ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रमज़ान में रोज़ाना बिला नागा दस हज़ार मरतबा कलमा क्यबा लाला महमदर रसूल्ला पढ़ लेते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो एहतिकाफ़ की दस रातों में एक लाख मरतबा कुरान एक लाख मरतबा शरीफ पढ़ लेते हैं ऐसे कितने ही लोग हैं जो तो एहतिकाफ की दस रातों में एक लाख मरतबा शरीफ का उनका हर साल का मामूल है तो कयामत के दिन ये लोग अपने अमाल लेकर आएंगे हमारे पल्ले क्या होगा हम आज इसकी फिक्र करें रमजान रमज़ानबारिक में हम पाँचवा काम क्या करें हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ें अपने गुनाहों को छोड़ें गुनाहों को छोड़ना और बुरी आदतों को छोड़ना इसके लिए कुछ हमें मेहनत करनी होगी कुछ होमवर्क करना होगा एक काम तो हम ये करें कि शाबान की अट्ठाईस उनतीस तारीख़ को रमज़ान से चांद से निकलने से पहले हम अपनी रूहानी कैफियत को लिखें आज मेरी रूहानी कैफियत क्या है क्या मतलब नमाज पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती जाता हूँ या दिल करता है गुनाह के लिए शौक़ से जाता हूँ या गुनाह के लिए जाते हुए दिल कुड़ता है हमारी जो हालत है नेकी करते हुए और गुनाह करते हुए उसको लिख लें और रमज़ान के बाद चेक करें कि मुझे इस रमज़ान से क्या मिला अगर तो मेरी रूहानी कैफियत वही है जो पहले थी तो रमज़ान से हमें क्या मिला और अगर रूहानी कैफियत में इजाफ़ा हो गया नेकी करना आसान हो गया गुना करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से हमने कुछ पाया और अगर खुदा न खास्ता किसी की कैफियत ऐसी हो कि रमज़ान से पहले नेकी की तरफ रगबत थी रमज़ान के बाद उतनी भी न रही ये तो भी तबाही का मकाम है तो हम में से हर आदमी फ़िक्र करे और अपनी कलबी कैफियत रूहानी कैफियत को नोट कर ले कि आज क्या है फिर रमज़ान के बाद ईद के बाद गौर करे कि अब मेरे लिए क्या आसान रमज़ान में तो इबादत करना आसान है आज शैतान है रमज़ान में नहीं होगा रमज़ान के चंद दिन के बाद अपने आप को चेक करें कुछ बेहतर हुए कि वहीं हैं अगर बेहतर हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह और अगर बेहतर नहीं हुए तो फिर हमने रमज़ान से क्या पाया इस पे गौर कीजिएगा एक काम यह करें कि हम लोग अपनी बुरी आदतों को और अपने उन गुनाहों को जो हम छोड़ना चाह रहे हैं नहीं छोड़ पा रहे उनको भी लिख लें और एक एक करके उनको अपनी ज़िंदगी से हम रिमूव करें अपनी ज़िंदगी को साफ़ करें गुनाहों से पाक करें इसके लिए भी फ़िक्रमंद हों लिखें लिखने के बाद हम ये इरादा करें कि हमने इन गुनाहों को छोड़ना है और ये यकीन कर लें कि मेरे अंदर इस्ताद अल्लाह ने रखी है मैं गुनाहों को छोड़ सकता हूँ बाद लोगों को यकीन ही नहीं होता कहते हमसे छूटने नहीं मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वजह इसमें करते हो फरमाए छोड़ दो तुम वो गुना जो तुम दिन में करते हो या छुप के करते हो या जाहिर में करते हो वजहिरल इसमी वबा तना छोड़ दो वो गुनाह जो तुम जाहिर में करते हो या बातिन में करते हो तो अल्लाह रबुलजत ने हमें किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं दिया जो हम कर ही ना सकें तो ये हकम बता रहा है कि हम गुनाहों को छोड़ने की इस्तार और क़वत और हिम्मत रखते हैं तरीक़े को अपनाने की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो हम इरादा करें अपने बुरी आदतों को गुनाहों को छोड़ना है नंबर दो ये यकीन कर लें कि हम ये काम कर सकते हैं इसके अलावा इसके फ़ज़ाइल का इस्तेज़ार करें हदीस के अंदर आता है अत्ता अब मिनम कमल जम बलहू गुनाहों से तोबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही नहीं और हदीस के अंदर आता है अत्ता अब हबीबल्ल्ला गुनाहों से तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त बन जाता है जब ये फ़जाइल हमारे सामने होंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा इसके अलावा हमें क्या करना है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और गुनाहों को छोड़ने के लिए अपनी सोहबत को नेक करना है हमारी सहबत नेक हो जाए के पास सल्ह के पास मशाइ के पास अल्लाह वालों की खिदमत में खुद जाएँ अपनी बीवियों को बच्चों को लेके कर जाएँ बापरदा माहौल में अल्लाह वालों की सहबत को इख्तियार करें ये सहबत का इख्तियार करना ये बहुत ज़रूरी इससे गुनाहों से बचना आसान हो जाता है आज बातिल की एक बहुत आसान पहचान क्या है कि वह आपको से रोकेगा मा कौन है नबी के वारिस हैं अल्लाह और उसके रसूल का दीन कौन बताएगा और सिखाएगा उलमा सिखाएंगे बातिल की सबसे ज़्यादा कोशिश भी यही है और एक आम सादा सी पहचान ये है कि वो उलमा से रोकेंगे अरे ये तफरक़ों में पड़े हुए लड़ाई झगड़े में पड़े हुए इनसे दूर रहना इस तरह की बातें आम आदमी समझ नहीं पाता और फिर उस ट्रैप में आके उलमा से जब दूर होता है तो फिर शैतान और नफ्स के चुंगल में फंस कर जहन्नम के ट्रैक पर चल पड़ता है हम अपनी सोहबत को ठीक करें अगर गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं नंबर पाँच बुरी आदतों को छोड़ना और गुनाहों को छोड़ने के लिए पाँचवा काम हम क्या करें हम अपने घर के माहौल को बेहतर करें घर के माहौल को पाकिजा करें गुनाहों से पाक करें घर के माहौल को घर का माहौल जितना पाकिजा होगा मुनवर होगा उतना हमारे लिए गुनाहों को छोड़ना आसान होगा और छठी चीज हम आमाल सलह ख़ूब कसरत से करें ज़िक्र असगार तिलावत ज़्यादा करें इससे क्या होगा हमारी रूह क़ुत पकड़ेगी और हमारे लिए गुनाहों को करना मुश्किल हो जाएगा अगर हम गुनाहों को वाकई छोड़ना चाहते हैं तो ये चंद अमाल हैं इनको करने से हम बुरी आदत को छोड़ सकते हैं और गुनाहों को छोड़ सकते हैं अगली बात और भी है बाद लोग ऐसे होते हैं जो रम, जो गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते वो कहते हैं ना बातों लातों के भूत बातों से नहीं माना करते तो कहीं ज़बरदस्ती और ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है कुछ नालायक होते हैं तो उनके लिए ज़रा सख्ती भी करनी पड़ती तो रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों को छोड़ना और अगर छोड़ना चाह रहे हो ना छूट पा रहे हो या रमज़ान के अलावा भी हम अगर एक काम कर लें तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी वो क्या है अपने नफ्स को हम सजा दें याद रखें ये जो हम नफ़्स को सजा देंगे ये उस सजा से बहुत कम होगी जो कबर या जहन्नम में हमें मिलनी है अल्लाह महफूज फरमाए तो हम यहाँ आज अपनी इस्लाह के लिए अपने ही नफ्स को सजा दें वो कैसे देंगे बुरी आदत छोड़ने में हम अपने घर वालों की भी मदद ले सकते हैं कि भाई आप देखें अगर कोई मेरे अंदर बुरी आदत है तो वह आप मुझे बताएं मैं उसकी मैं असलाह करना चाहता हूँ तो अपने करीबी लोगों से हम इस किस्म की मदद ले सकते हैं अपनी असलाह करनी है और ये नहीं कि उन्हें पता कुछ नहीं उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा पता होता है हमारे हालात का तो हमें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ नमाज फ़जर से लेकिन इसको तमाम आदात में हम तमाम इबादात में अप्लाई किया जा कर सकते हैं देखें एक आदमी ऐसा है उसकी बुरी आदत या गुनाह है कि वो फजर क़दा कर देता है उठ के पड़ता है उठा ही नहीं जाता अब ये क्या करें ये तो नमाज को एग्ज़म्पल के तौर पर लिए तमाम इबादात में उसूल यही बना लें फार्मूला यही बना लें अब क्या करे जी रात को जल्दी सोने की कोशिश करें अलार्म लगा कर सोएं अच्छा बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं रात की नींद के बारे में वो कहते हैं जी हम बिस्तर पे जाते हैं नींद ही नहीं आती तो क्या करें सुबह वह उठे होते हैं ग्यारह बारह एक बजे तो रात को नींद कैसे आनी है रात को अपने आप को जल्दी सुलाने के लिए क्या करना है कि सुबह हम जल्दी उठें उसके बाद नींद आ रही हो तो तकाज़े को नींद के तकाज़े को रोकें और जागते रहें चंद दिनों के बाद दो चार दस दिन पंद्रह दिन चंद दिनों के बाद रात को खुद ब खुद जल्दी नींद आएगी अब हम क्या करते हैं नींद का जो कोटा है वो सुबह पूरा कर लेते हैं बारह एक बजे सो के उठे अब रात को नींद कैसे आनी है तो नींद के साइकिल को ठीक करने के लिए सुबह हम जल्दी उठने की आदत डालें और उसको पाबंदी से ज़बरदस्ती जल्दी उठें चंद दिनों में रात की नींद की टाइमिंग ठीक हो जाएगी तो फ़जर के लिए रात की नींद की टाइमिंग को हम ठीक कर लें और अलार्म भी लगाएं और अलार्म लगा के मोबाइल को दूर रखें तकिए के नीचे ना रखें ऐसे अलार्म बरते हाथ मारते सो जाते हैं करोड़ बदल के दूर रखें उठ के जाना पड़े इसके अलावा घर में किसी को कह भी दें कि भाई आप मुझे नमाज के लिए उठाएँ इस किस्म के इंसान आमाल कर ले फिक्र कर ले फिर भी मसला हल ना हो अब क्या करें अब अपने नफ्स को सजा दे क्या मतलब फ़जर की नमाज सज़ा हो गई तय कर ले अगर मेरी नमाज अजा होगी तो बीस रकात नफिल मैंने पढ़ने अब जिस दिन नमाज अजा हो ये बीस रकात नफिल एक्स्ट्रा पढ़े तो चंद ही दिनों में नफ़ सीधा हो जाएगा फ़जर के लिए वो खुद उठेगा कि बाद में सजा मिलनी है लेकिन कोई अमीर आदमी है आ, या फिर सदका अदा करे सोचे कि हजार पाँच सौ रुपये मुझे सदका देना है दूसरी सजा क्या है कि सदका अदा करे लेकिन एक अमीर आदमी है उसको सदक़े से अगर फ़र्क़ नहीं पड़ता तो वो बीस नफिल वाली जो है ना वो सजा अपने ऊपर लाए एक ग़रीब आदमी है उसको बीस रकात से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो सदक़े वाली सज़ा अपने ऊपर लेकर आए ताकि नफ़ सीधा हो जाए तो इंसान बीस रकात नफिल पढ़ सकता है दस रकात नफिल पढ़ सकता है या कुछ सदक़ा कर सकता है ताकि नफ्स पे चोट पड़े तो आसानी हो जाएगी याद रखिए ये नफ्स को सज़ा देना कब्र और जहन्नम की सज़ा से ज़्यादा आसान है तो हम अपनी ही असलाह के लिए अपने आप को इन अमाल के जरिए गुनाहों से बचाएँ। इसके अलावा एक अमल और भी है वो तीर बदफ है अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह खत्म हो जाएं और छूट जाएं, तो तीर बदफफ़ इलाज सुन लीजिए इस इलाज का नाम है मुराकब मौत मौत का मुराकबा क्या मतलब कैसे करें है? हम किसी दिन रात को लाइट्स ऑफ करके बिस्तर पर जब लेटे हुए हों तो ये ख्याल करें कि मौत का फरिश्ता अब आने वाला है मेरे पास आएगा मेरी रूह को निकालेगा रग रग से रूह को निकाल के ले जाएगा उसके बाद फिर गौर करें कि घर वाले रो हैं और फरिश्ता मेरी रूह को निकल ले कर चला गया अब मुझे नहलाया जा रहा है मुझे कफनाया जा रहा है अब मेरा जनाब नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है अब मुझे कब्रस्तान लेके जाया जा रहा है वहाँ कब्र पहले से खुदी हुई है अब मुझे लोगों ने डाल दिया अब मेरे ऊपर मट्टी डाल रहे हैं और ये मिट्टी डाल के उसके बाद सारे के सारे चले गए आज मनो मट्टी के नीचे मैं तनहा अकेला मौजूद हूँ कोई और मेरे पास नहीं इन चीज़ों को सोचे और अब सोचे कि वो जो मैं नेक नेकमाल किया करता था नमाज़ पढ़ता था सदक़ात देता था रोज़े रखता था सच बोलता था लोगों के साथ खैर ख्वाही किया करता था तो ये तमाम चीज़ें मेरे लिए कबर के अंदर जन्नत का जरिया बन गई मेरी कबर जन्नत का बाग बन गई फिर आगे गौर करे कि मैं कयामत तक जन क़्यामत तक मैं कबर में ही रहा फिर कयामत का दिन आया मैं भी ख़बरों से निकला सारी मखलूक अपनी अपनी खबरों से निकली अब अक्षर के मैदान में जमा हैं मैं चूँकि नेकमाल करता था नेक लोगों की सहबत में मैं रहता था तो आज मैं नेक लोगों की संगत में मौजूद हूँ आज मैं ओलमा के साथ और अम्बिया के साथ मौजूद हूँ नेक लोगों की सहबत आज मुझे काम आ रही है नेक लोगों ही के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी थी नेक लोगों ने ही मेरा नमाज जनाजा पढ़ा था और आज मैं क़यामत के दिन नेक लोगों के साथ मौजूद हूँ और इन नेक लोगों की माइत में मैं जन्नत में जा रहा हूँ मुझे इन इना और नेक लोगों की मजलिस से जन्नत मिली या अल्लाह का दीदार मिला इन चीज़ों को इंसान गौर करे शौक और रगबत में इजाफा होगा और कभी कैसेट को ज़रा चेंज कर ले दूसरा रुख भी निकाले क्या इसी तरीके से सोचे बिस्तर पर लेट जाए लाइट्स को ऑफ कर दे और ये सोचे कि मलकुल मौत आ रहे हैं या मेरी रूह निकालेंगे और ऐसी सख्ती से निकालेंगे कि मैं तड़प के रह जाऊँगा और उसके बाद मेरे घर वाले मुझे नहलाएँगे कफनाएँगे नमाजा जनादा होगी कबर में ले जाएँगे और कबर के अंधेरे में मुझे लिटा दिया जाएगा मनोमट्टी डालकर सारे वापस चले जाएंगे मेरा माल मेरे पास ना रहा मेरी औलाद मेरे पास ना रही मेरे फेसबुक के दोस्त मेरे पास ना रहे मेरा मोबाइल व्हाट्सएप इंटरनेट मेरे साथ ना रहा अब मैं तन्हा हूँ और दुनिया में जैसी मेरी तन्हाई गुनाहों के साथ होती थी आज वो गुनाह आग बनकर कब्र के अंदर मुझे लपेट में ले रहे हैं और वो जो मैं लोगों के दिल दुखाया करता था आज सांप मेरे ऊपर डस रहा है वो जो फ़जर की नमाज मैंने अदा की थी ये सांप ज़ोहर तक मुझे डस रहा है ज़ोहर की जो मैंने नमाज़ अदा की थी ये असर तक मुझे डस रहा है असर की जो मैंने नमाज अदा की थी ये मगरिब तक मुझे डस रहा है मगरिब की जो नमाज मैंने अदा की थी ये इशा तक मुझे डस रहा है इशा जो अदा की फजर तक चल रहा है ये साइकिल क़्यामत तक चलता रहेगा क्योंकि मैं नमाज कदा कर देता था और इस बात का ख्याल करे मैंमा को बुरा भला कहता था आज इसकी सदा मुझे कबर में मिल रही है मैं बुरे लोगों के साथ रहता था आज उस बुरी सोबत ने मुझे मेरे कबर को मेरे लिए जहन्नम का घड़ा बना दिया फिर सोचे कि कयामत का दिन होगा सबको उठना पड़ेगा नेक लोग लोगा तो अम्बिया के साथ होंगे उनको अर्ज का साया मिल रहा है और मैं अपने उन्हीं गुनागारों के साथ और अपने बुरे दोस्तों के साथ जिनके साथ मैं रात की तन्हाइयों को हराम काम किया करता था मैं मोबाइल फ़ोन का हराम इस्तेमाल करता था मैं अपने बुरे दोस्तों के साथ आज जमा हूँ और आज मेरे लिए कोई खैर खा नहीं और मैं अपने गुनाहों में डूबा हुआ हूँ मेरे गुनाह मेरे ऊपर मुसीबत बनकर आए हुए हैं और मुझे उन गुनाहों की वजह से जहन्नम में धकेला जा रहा है इन चीज़ों को तस्वूर करे ये मुराकब मौत है कभी आमाल का तस्वूर करे कभी गुनाहों का तस्वूर करे जब इस तरीके से इंसान मुस्तकिल शौक़ के साथ इसको करता रहेगा इन जो शख़्स गुनाहों को वाकता छोड़ना चाहता है चंद दिन इसकी प्रैक्टिस कर लेगा उसके लिए गुनाहों को छोड़ना आसान हो जाएगा फेसबुक पे बैठते हुए जब हम बैठें तो फेस और बुक इन दो चीज़ों को जहन में रखें फेस हमारा ये फेस है और बुक या अमाल नामे जब हम फेसबुक पे बैठें ये गौर कर लिया करें कि कल क़्यामत के दिन मैं कौन सा फ़ेस अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा और मेरी बुक जब पूरी मखलूक के सामने खुलेंगी मेरा क्या हाल होगा जब फेसबुक पर बैठकर हम इस सबक को दोहरा लेंगे इन फेसबुक का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता हमारा निकी वाला हो जाएगा हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों की फिक्र करें और अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र करें मुबारक का महीना ये अल्लाह ताला की रहमतों का ख़जीना है मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक रात आता फ़रमाते हैं उस रात में बेहिसाब लोगों की अल्लाह ताला तकफीरत फरमाते हैं और रमज़ान में वैसे भी बहुत सारे लोगों की मफफ़ीत होती ही रहती है हर रात होती है और आखिर रात में और ज़्यादा मगफ़रत होती है तो शब कदर में बेहिसाब लोगों की मफफ़रत होती है लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जिनकी उस मुबारक रात में भी मगफिरत नहीं होती उनमें से एक है रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाला क़त रहमी करने वाला आज अक्सर लोग इस जुर्म के अंदर मुबतला हैं कितने ऐसे खाविंद हैं बीवियाँ अपने महके गई हुई हैं वो घर आबाद नहीं कर रहे तो ऐसे खाविंदों के लिए ऐसे शोहरों के लिए रमज़ान और कदर से पहले बेहतरीन मौका है अपने घर को आबाद कर लें अपनी बीवियों को अपने हाँ बुला लें मेरे तजुर्बे मुशाहिदे में एक बात आई है कि मियाँ बीवी आपस के अंदर बहुत जल्दी एक हो जाते हैं इनके आपस के मामल सिर्फ ये दोनों डील कर रहे हों आसानी से हल हो जाते हैं लेकिन जब तीसरा आता है ना वो तबाही करवाता है तीसरा कौन हो सकता है कभी लड़के की बहन कभी लड़के की माँ कभी लड़के का बाप और कभी लड़की की माँ या लड़के का बाप या कोई घर का कोई और फर्द तो जो मियां भी ये चाहते हैं कि हमारे मामला ठीक हो जाए घर आबाद हो जाए हमारी मकफिरत हो जाए तो वो अपने मामला खुद सेटल करें ये दाएं बाएं के लोगों को बीच से निकाल दें मेरा ख्याल ये है कि इस बात पर अगर उन लोगों ने उन मियाँ बीवी ने जिनके अंदर आपस में रंजिशें हैं खराबियां हैं दूरियां हैं अमल कर लें तो शायद सेवेंटी एटी परसेंट या इससे ज्यादा लोगों के घर आबाद हो जाए कितनी औरतें हैं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं और मर्द हजरात उनको करीब नहीं कर रहे सिर्फ क्या करें कि दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में अपने मामला को सीधा कर लें और अपने करीबी रिश्तेदारों से कहें जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी आप हमारे मामला में हमें आज़ादी दे दें हम अपने मामला को सेट करना चाहते हैं की जिम्मेदारी है ये कि अपने घर को आबाद रखे इससे होगी कि मुझे क्या करना मुझे क़्यामत के दिन होगी कि बीवी के साथ कैसे रहे तो ये आसान सा कुलिया है जब भी करीब के रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं मामलों के अंदर तो अक्सर व बेशतर तबाही ये मचाते हैं हर जगह एक जैसा नहीं होता कहीं इसके अलावा भी मुमकिन है लेकिन अक्सरियत यही मुशाह में आ रहा है कि मियाँ बीवी ये आपस में अपने मामला को सेटल कर लें तो इनकी जोड़ी आबाद हो जाएगी घर आबाद हो जाएगा नस्लें तबाह होने से बच जाएँगी और जहाँ मियाँ बीवी आपस में इस तरीके से आगे बढ़ के नहीं करेंगे और इर्द गिर्द के लोगों को शामिल रखेंगे तो घरों का आबाद होना इन्हीं करीबी रिश्तेदारों की वजह से बज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है तो रमज़ान का महीना है शब क़दर में रहमी करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती तो आज हम रमज़ान से पहले ही बल्कि रमज़ान में भी हम रिश्तेदारों को मनाने की फ़िक्र कर लें अल्लाह को पाने की फ़िक्र में जन्नत के लिए हम कोशिश कर लें हदीस सुनिए अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हक पर होने के बावजूद जो झगड़ा करना छोड़ देगा हक पर होने के बावजूद जो झगड़ा करना छोड़ देगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में महल आता फरमाएंगे जन्नत का महल क्या होगा हमेशा के लिए मिलेगा कोई यूटिलिटी बिल्स नहीं और हर तरह की फैसिलिटी वहाँ मौजूद होगी और हमेशा के लिए मौजूद होगी ऐसा बड़ा घर हमेशा के लिए मिल रहा है किस जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे अरे एक बीवी हक पर है छोड़ दे अपने झगड़े को आगे बढ़े खाविंद हक पर है छोड़ दे अपने झगड़े को आगे बढ़े सुलह करे भाई हक पर है छोड़ दे अपने झगड़े को सुलह कर ले आगे बढ़े मोहब्बतों को परवान चढ़ाए जन्नतों के घर ले ले एक आम सी सादा सी मिसाल ले लीजिए पहले भी कई बयान में पेश की दो आदमी हैं दोनों भाई दोनों में लड़ाई है अगर हुकूमत वक्त ऐलान करे कि इन दोनों में से जो लड़ाई को ख़त्म कर देगा उसको इस्लामाबाद के सबसे महंगे इलाके में सौ किनाल का घर दिया जाएगा और उसकी तमाम ज़रूरिया और फैसिलिटीज़ यूटिलिटीज़ सारी उसके लिए फ्री होंगी और हर वक्त मुहैया होंगी तो जो इन दोनों में पहल कर देगा इनका झगड़ा था एक किनल के घर का तो हुकूमत ऐलान करे इनको इस्लामाबाद के सबसे अच्छे इलाके के अंदर इनको जनाब सौ किनाल का एक बेहतरीन महल दे दिया जाएगा आप बताइए इन दोनों भाइयों में से लड़ाई में से पहल कौन आ, सुला में पहल कौन करेगा आप ये बताइए इन दोनों भाइयों में से सुला में पहल कौन करेगा कि एक किनाल को छोड़ दो ये पता नहीं कितने आम से इलाके में और हमें कितना वी आई पी इलाक़े में सौ किनार की जगह मिल रही है और तमाम सहूलियात के साथ मिल रही है कौन पहल करेगा मेरा ख्याल है आपका जवाब ये होगा कि जी दोनों ही पहल की कोशिश करेंगे अब समझिए बात को हुकूमत वक्त ऐलान करे और दे या ना दे कोई गारंटी नहीं अगर दे भी दे ऐलान के मुताबिक तो वो उस भाई के पास कब तक रहेगा जब तक वो जिंदा है मौत आनी है चले जाएगा हाथ से निकल जाएगा लेकिन नबी करीम वसल्लम ने जो ये इतला फरमा दी जो सुलह करेगा उसे जन्नत में महल अता किया जाएगा ये यकीनी और पक्की बात है लाजमी मिलेगा वो दुनिया के घर से बड़ा भी होगा आलिशान भी होगा शानदार भी होगा और हमेशा हमेशा के लिए होगा ना वो ख़त्म होगा ना मौत आएगी तो इस रमज़ान में हम इरादे कर लें रिश्तेदारों को मनाने के रिश्तेदारियों को जोड़ने के याद रखिए शब कदर में भी रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाले की मफफ़रत नहीं होनी जिस नबी रमिन ने यह बताया कि ये मकफ़रत की रात है बेहिसाब लोगों की मकफिरत होती है उसी मुबारक जुबान से ये भी मामला मालूम हुआ कि रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाले की मकफिरत नहीं होती हम क्या मरलों की केनालों की एकड़ों की लड़ाई लिए बैठें पैसों की लड़ाई लिए बैठें या बाज़ जगह, तो जगह तो पैसों की लड़ाई नहीं है सिर्फ ज़ुबान और अनाएं उसने ये कह दिया उसने वे कह दिया उसने, उसने मुझे घर नहीं बुलाया उसने मुझे शादी पर नहीं बुलाया उसने मुझे दावत पर नहीं बुलाया और बिलखसूस मियाँ बीवी ये तो इसमें बहुत आगे बढ़ें खाविंदरात कोशिश करें वो जिनकी बीवियाँ घरों में बैठी हुई हैं मैकों में और नहीं बन रही एक दो नहीं है बहुत बड़ी तादाद है हिम्मत करें आगे बढ़ें और अपने मामला को दोनों मियाँ भी, भी सेटल कर लेंगे ना याद रखिए मामला आसान हो जाएगा अपने ही घर वालों को अपने इन मामला से जुदा कर दें उनसे कहें जी आप मेरी माँ हैं बाप हैं आपका बड़ा मकाम बड़ी इज्जत है लेकिन मैं मियाँ बीवी के मामला में मैं इसको खुद हैंडल कर लूँ अपनी नस्लों को मैं खुद बचा लूँ आपका हक हाँ, मैं पूरा अदा करूंगा आपकी खिदमत ख्याल में हर तरीके से करूंगा, लेकिन मेरा घर मुझे बचाना है तो हम रमज़ान में इस बात का भी ख्याल कर लें और आखिरी बात इसके बाद बात को मुकम्मल करता हूँ हदीस के अंदर आता है मुबारक में मातहतों के साथ नरमी करना इस पर भी अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से बड़ी रहमतें आती हैं मुबारक में मातहतों के साथ नरमी करना तो हम इस बात का ख़्याल करें बीवी भी मातहतों में आती है मुलाजिम आते हैं जितने भी हमारे वर्कर्स हैं ये मातहतों में आते हैं हम रमज़ान में इनका ख्याल करें अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दें लॉकडाउन में और ज़्यादा ख्याल करें कितने लोग हैं जो लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं अरे रमज़ान में ईद तक तो उनका ख़्याल करें चाहिए तो मुस्किल करें अलहमदिल्ला हमारा भी कारोबार है और मुझे कल परसों किसी ने कहा कि जी जब कारोबार बंद है घर बैठे हैं अभी लॉकडाउन का कुछ मालूम नहीं हो रहा बल्कि मेरा तो अपना ख़्याल ये अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ये हमारे रमज़ान को भी ख़राब किया जाएगा एहतिकाफ़ को भी शायद ख़राब किया जाए ईद को भी ख़राब किया जाए अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ये हमारी कुर्बानी और हज को भी कहीं ख़राब ना करें ये इस तरफ़ जा रहा है अब ये वबा है या जो भी कुछ है लेकिन इससे बातिल मुसलमानों की बुनियाद पर हमला कर रहा है वो हमें पूरी तरह बात समझ में नहीं आ रही जो हिफाज़त है जो सिक्योरिटी है जो चीज़ें हैं बीमारी से कोरोना से बचने के लिए उन सारी चीज़ों को ज़रूर हम इसे जहन में रखें लेकिन बहरहाल अपने जो बुनियादी दीन की ज़रूरियात हैं वो भी हम जहन में रखें उनको भी अपने हाथ से ना जाने दें हमें रूहानियत की सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये मदारस ये मरक़ ये दी मराज़ ये मदारस ये खानकाहें ये सब की सब रूहानियत यहाँ से मिलती है तो हमारी रूह कवी होती है तो हमें उसको भी कवी करने और रखने की ज़रूरत है बहरहाल ये दरमियान में एक बात आ गई तो मातहतों के साथ ख्याल करना उनके साथ नरमी का मामला करना उनके साथ नरमी कई तरीके से की जा सकती है इंसेंटिव बढ़ा दिया काम का वक्त कम कर दिया आठ घंटे ड्यूटी थी छः घंटे ले ली पाँच घंटे ले ली किसी भी तरीके से एक आदमी दस लोग करते थे वहाँ बारह लोग लगा दिए किसी भी तरीके से उनके साथ नरमी करना मातहतों के साथ नरमी करना ये जन्नत में जाने का सबब है हमें चाहिए कि हम इस आसान से काम को इख्तियार कर लें और अल्लाह इज्जत से जन्नत के फैसले करवा लें रब्बिल आलमीन ये जो बुद्ध की मजलिस आज हुई है इन अब ये ईद के बाद दोबारा होगी रमज़ान मुबारक में हमारी तरतीब ये होगी हमेशा की तरह इन शजीज़ हर इतवार को जहर तो तकरीबन डेढ़ बजे है एक पैंतालीस एक पचास पर इंशाला मजलिस ज़िक्र हुआ करेगी जो तकरीब लगभग तीन बजे तीन पाँच तक जाया करेगी तो रमज़ान में इतवार का बयान आसर से मगरब नहीं होगा बल्कि ज़ुहर के बाद हुआ करेगा इन शजीज़ पहले की तरह इसके अलावा तरावी के बाद बारह पंद्रह मिनट का एक बयान होता है तो इस दफ़ा मौजू रखा गया कसुलरआन सईद आदमी सलाम से ले कर आगे अम्बिया का जिक्र और कुरान के वाक़ात का जो जिक्र है वो इन शदीज़ इस दफ़ा होगा तो तकरीबन साढ़े आठ बजे ईशा है तो पौने नौ के करीब नौ पैंतालीस अड़तालीस पे तरावी शुरू हो जाएगी एक घंटा दस मिनट पंद्रह मिनट लगभग इस तरीक़े से तरावी का वक्त होगा तो 10 बजे के करीब 15 मिनट के लिए 12 मिनट के लिए रोज़ाना एक मुख्तर सा बयान होगा और इन शाह ये इश्ला वन है फेसबुक है दरस कुरान और ये मैसेज टी वी इन सब के ऊपर भी लाइव आएगा और मिक्सलर पर भी इन शजीत आएगा और इन श्ला ज़ूम पर भी आएगा अल्लाह ताली हमें इसको करने की और समझने की पढ़ने की तोफ़ी कताब फरमाए फिर रमज़ान के बाद दोबारा जो इतवार का बयान है असर से मग़ब और ये बुध वाला बयान फिर दोबारा शुरू होगा इन शीज़ तो ये रमज़ान के बारे में इतला थी अल्लाह ताली खैर फरमाए तोबा के कलेमात पढ़ लीजिए को बैत होना चाहे तो बैत की नीयत भी कर सकता है अलह साथ पढ़ लीजिए बिस्मिल्लर ला महम्मदुर रसूल अशादुल्ल إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين अलहमदिल्कलमा से हम तोब तय हो चुके हैं छः मामूलत हैं अगर हम पाबंदी से करेंगे तो इन श्ला दिलों में अल्लाह की महब्बत आएगी पहली चीज़ है इससे गफार अस्तफसल्ल हरबी मिनकुल नज़म आतूब अलही दूसरी चीज़ है दुरूशरीफ़ अल्ला से दिना मौलाना मोहमद अल से यही दिना मौलाना मोहम्मद वारिक वा वसलम ये दोनों चीज़ें सुबह शाम सरसों मरतबा तीसरी चीज़ें क़ुर मजीद की रोज़ाना तिलावत एक सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा नहीं तो आधा सिपारा सही ऐसा ना हो कि फ़ेसबुक का पेज हम रोज़ खोलें और कुरान का पेज हम न खोलें एक और बात यहाँ याद आ गई इसको तवज्जो से सुन लीजिए बाज़ लोग ये सवाल पूछते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर कुरान मजीद पढ़ना जायज़ है कि नहीं तो मुफ़्ती फरमाते हैं कि जायज़ है लेकिन एक बात को ज़रूर हमें देखना होगा जो शख्स भी कुरान मजीद मोबाइल फ़ोन पर पढ़ता है उसकी तवज्जो और रूहानी कैफियत वो नहीं हो पाती जो वैसे कुरान मजीद को इंसान हाथ में लेके कर पढ़ता एक आदमी जब क़ुर मजीद को हाथ में लेके पढ़ने के लिए इरादा करेगा तो सबसे पहले वजू करेगा उसके अंदर वज़ू की वजह से कैफ़ियात आएंगी और कुरान मजीद को हाथ में लेगा कुर मजीद से एक ताल्लुक़ बनेगा कभी कुरान मजीद को अपने सीने से लगाएगा कभी अपनी आँखों से लगाएगा कभी कुरान मजीद का बोसा ले लेगा कुरान मजीद को जब खोल के बैठेगा तो अदब और एहतराम के साथ बैठेगा कबला रुख भी वो हो सकता है उसकी तवज्जो रूहानियत और ताल्लुक़ जो कुरान मजीद को देखने से उस पर फेर उंगली फेरने से या उसके ऊपर हाथ रखने से उसका कुर्ब जो इसको मिल रहा है अब ये जो देख कर पढ़ रहा है इसका जो रब से ताल्लुक़ बनेगा ये यकीनन बहुत ज़्यादा होगा मोबाइल फ़ोन में वो हो ही नहीं सकता मोबाइल फ़ोन में पढ़ना मना नहीं कर रहा जायज़ है ने बताया जायज़ है तो बहुत ख़त्म हो गई बात उस पर तौर पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप एक सिपारा कुरान मजीद को खोल कर बैठ के पढ़ लीजिए और एक सिपारा मोबाइल फ़ोन को खोल के पढ़ लीजिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ आपको अपनी आँखों से नज़र आएगा मोबाइल पर बैठे होंगे अभी कोई व्हाट्सएप आ गया उसको भी देख लिया कोई कॉल आ गई मैसेज आ गया उसको भी देख लिया कुरान मजीद का एक सिपारा पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा बग़ैर किसी उसके दरमियान के गैप के एक से बारह भी इंसान शायद ना पढ़ पाए हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मैसेज या किसी का आ जाएगा या हमें कोई ख़्याल आएगा कि हमें करना हम वो करेंगे तो ये एक मुशाहिदे की बात है तो हमें चाहिए कि कुरान मजीद को खोल कर उससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें इन ये क़यामत के दिन हमारे निजात का जरिया बनेगा तो फेसबुक का पेज रोज़ खोले और कुरान का पेज रोज़ ना खोलें ये बड़ी महरूमी की बात है चौथी चीज़ है वक़ूफ़ कलबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान चलते फिरते अल्लाह की तरफ मुतवज़ रहना पाँचवीं चीज़ है मुराकबा मुराकबा कहते हैं आँखों को बंद करके सर को झुका के ख्याल करके बैठ जाना कि अल्लाह की रहमत आ रही है मेरे दिल में समा रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 दस पंद्रह मिनट के लिए रोज़ हम ये काम कर लें सुबह और शाम दिल में अल्लाह की महब्बत में इजाफा होगा और छठी चीज़ है रबतए शेख जिनसे बैठ होता है अपने शेख से उनकी सहूलत के मुताबिक रबते में रहे और मैं दोबारा भी ये अर्ज़ करना चाहता हूँ हमेशा की तरह कि रमज़ान मुबारक में कोशिश करें कि मुझसे रब्ता ना करें टेलीफोन कॉल से तो वैसे ही मैं बड़ा तकलीफ़ में आता हूँ सबको मना करता हूँ भी मुझे कॉल ना किया करें व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग भेज दें उसमें मुझे राहत है जब वक्त मिलता है आज सुबह से कोई ना कोई काम कोई ना कोई प्लानिंग रमज़ान के बारे में मशवरा ऑनलाइन तालीम के बारे में मशवरा अभी तकरीबन बयान से पहले 200 से ज़्यादा ऐसे मैसेज हैं जिनके अभी जवाब देने वाले मौजूद हैं तो तो फ़ोन कॉल के लिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ कि मेरी मसरूफ़ीत की वजह से कॉल ना किया करें वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दिया करें फिर सब्र किया करें मुझे जब वक्त मिलता है मैं जवाब देता हूँ और रमज़ान में, में मेरी एक आज जाना दरख्वास हमेशा से रही है बड़े अदब के साथ कि कोशिश किया करें कि रमज़ान मुबारक में मुझसे रबता ना किया करें बहुत सारी और मसरूफियात हैं माशाल्लाह हमारी बीस ब्रांचेज हैं बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको देखना होता है फिर रमज़ान में तरावी के लिए कुरान को याद करना और रात को सुनाना वो एक पूरा जो है ना जहन के ऊपर एक ज़िम्मेदारी होती है उसको निभाना होता है तो रमज़ान के अंदर कोशिश किया करें कि भाई रबता ना हो ईद के बाद ज़िंदगी रही तो फिर इन शाला रबता हो जाएगा तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें इन आमाल की तोफ़ी अता फ़रमाए दुआ कर लीजिए अलहमदिल्लाब्रामी सल्लनबीम करीम रबना वलमा अनफसना तकफ़फिल्ला तरह नकूनसिनला हम आपके आजिज़ मसकिन बंदे हैं अल्ला ज़ाहिर में बंदे हक़ीकत में नहायती गंदे हैं या अल्ला हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा हमारे सीनों को अपने नूर से मुनवर फरमा हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद फरमा रब करीम सीनों को अपनी मुहबत से लबरेज़ फरमा ख़ाओं से दरगुजर फरमा ऐबों की पर्दापोशी फरमा रब करीम अपनी रहमतों की पुष्पना ही नसीब फरमा या इलामीन पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा दावत और तबलीग के काम की हिफाजत फरमा जहाँ खान गाहों की हिफाजत फरमा तमाम मसाजिद मदारस मराकज़ अरबिय की हिफाजत फरमा इकामत इकाम की कोशिशें करने वालों की हिफाजत फरमा अब करीब हमारी दुआओं को कबूल फरमा या अ बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए कहा और जो कहना चाहते थे नहीं कह पाए और वो लोग जिनका हक है कि उनके लिए दुआएं करते रहा करें रब करीम सब के लिए खैर के फैसले फरमा या इलामी हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे की हिफाजत फरमा रब करीम हम सब को रिज़ हलाल आसान फ़राह और बाबर का तताब फरमा हराम और मुशतबे से महफूज फरमा या अल्लाह कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमा या इलामी कितने लोग घरों में डिप्रेशन का शिकार हो रहे और दूसरी तकलीफों में जा रहे अल्लाह सब के लिए आसानियों के फैसले फरमा इस परेशानी से हम सब की हिफाजत फरमा या इलाहा आलमीन हम में और हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफा अतः फरमा जो तो परेशान हैं परेशानियों को दूर फरमा जो मकरूज़ हैं कर्ज़ों की अदायगी के आसान इसबाब अपनी रहमत से पैदा फरमा रे तो करी हमारी दुआओं को कबूल फरमा या इलामी हमारे इदारे अलहफ़ एजुकेशनल ट्रस्ट को कबूल फरमा या अल्लाह आने वाले महीने में हम सब को अच्छे तरीके से इस महीने को गुजारने की तोफ़ी अता फरमा या इलामीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा अल्लाह जितनी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जितने हमारे अखराजा हैं इदारे के अल्लाह आफ़ियत और ख़ैर के साथ अता फ़रमा गैब के खदानों से हमें आता फ़रमा और जो हमारे माविन हैं अल्लाह उन्हें अपने मुकरबीन में शामिल फरमा मुशाला तला खरीक़ी सैदना व मौलाना महमद वालि वाबी वही बेतीजमा आमीन और आमीन बर